द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा ॐ ज्ञानतिमिरं धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नामयम विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुष महांतम नारायणं स्तं शिरसा नमः नामयो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानं च बालिने जीवदुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नामयो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ते नामिने श्री भार्गवानमि देवी दैताय कृपात्वये कृष्णा संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनधारिणे श्रीरूपानुगगुरुधाम सिद्धान्तदन्तहारिणे नमो गौरवीश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बुधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगभरायते गौरविभावमिष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पगरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे दवनाल सम ससरदहनी दख जीव कुल उधर कारणी करुणा पर कृपा Yeah.
सबसे पहले यही भजन को गाते हैं। बोले कारण क्या है? बोले कारण है इसमें गुरु जी की वंदना है, गुरु जी की महिमा, इसमें गुरु जी की इसमें महिमा बताई गई है। हैं कितना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं बलिहारी से गुरु जी जो गोविंद देव बताए। इसलिए कहते गुरु जी की कृपा होने पर फिर ठाकुर जी का कृपा हमारे ऊपर, तब ठाकुर जी का कृपा होता है। इसलिए हम सबसे पहले इसमें गुरु जी की वंदना की है। देखो इसमें क्या क्या बताया। ये जो पहला श्लोक है कहते गुरुदेव कौन है? कहते गुरुदेव है, कहते भगवान की जो कृपा ही, भगवान का जो कृपा एक मूर्ति रूप धारण करके ये गुरु रूप में इस जगत में आते हैं। बोले क्यों आते हैं गुरुदेव संसार में? भगवान का कृपा है क्यों आते हैं? बोले कारण है ये जो संसार है, बोले ये दावानल है। दावानल मतलब क्या? जैसे जंगल में कहीं आग लग जाए, नहीं तो कहीं पानी में भी कभी कभी आग लग जाती है, वो कोई फायर ब्रिगेड में नहीं बुझती हैं। हैं कोई साधारण कहीं अगर आग लग जाए तो उसको फायर ब्रिगेड में बुझा सकते हो, लेकिन अगर जंगल में आग लग जाए तो वो फायर ब्रिगेड कोई काम नहीं करेगा। उसी तरह ये जो संसार को बताया ये क्या है? बोले ये दावानल है। मतलब संसार में कोई तन से दुखी, मन से दुखी, घर से दुखी, परिवार से दुखी, पैसा से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। इसलिए ये संसार में जीव सब दुखी है। भगवान कौन है? कहते ये हमारे पिता माता है। कहते ना तुमैव माता च पिता, तुमैव तुमैव बंधु स सखा तुम्हें। भगवान हमारे पिता माता, पिता माता कभी बच्चों का दुख कष्ट देख नहीं सकते हैं। बच्चे अगर खुश हो ना पिता माता भी खुश रहते हैं। इसलिए भगवान जीव का दुख को देख करके वो गोलोक वृंदावन से, भगवान का धाम से उनका जो कृपा है वो एक मूर्ति रूप धारण करके जगत में गुरु रूप में आते हैं। क्यों? हमको अपना घर में ले जाने के लिए, हमें अपना असली घर में ले जाने के लिए। अभी हम जिसको घर मान रहे हैं ये हमारी सही घर नहीं है। ये शरीर से परमात्मा जब चले जाएंगे एक घंटा भी घर में रुकने नहीं देंगे। बोले निकाल यहाँ से। बोले नहीं, हमारे हाथ में सब कागज पत्र सब कुछ पट्टा बाउती है। बोले जो कुछ क्यों नहीं हो,
घर से शरीर को निकाल दें घर से। इसलिए हम ऐसे कितने जन्मों से घर बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बोले कब तक बनाएंगे, कब तक छोड़ेंगे? बोले जब तक असली घर में नहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए गुरुदेव जगत में क्यों आते हैं? हमें अपना असली घर में ले जाने के लिए। जहाँ जाने पर फिर तो कभी घर को छोड़ना नहीं पड़ेगा। फिर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, सबसे चिरकाल के लिए हम निकल जाएंगे। इसलिए ये जो पहला जो श्लोक है, इस श्लोक में ये कहते हैं, कहते हैं गुरु जी की लक्षण क्या होनी चाहिए। बताया था गुरु जी ये है, लेकिन गुरु जी की लक्षण क्या होनी चाहिए? बोले नृत्य गीत वाद्य श्रीहरि कीर्तने रहे न मगन महामत मने रोमांच कंपाश्रु है गौर प्रेमे बंदी से गुरु चरण कमल। बोले गुरु जी का लक्षण क्या है? बोले हर समय भगवान का कीर्तन करके जिनकी आंखों से आंसू आता है, जिनके शरीर में रोमांच कंप अश्रु, ये जो प्रेम का जो अष्टसाती की जो विकार है, भगवान का नाम लेने पर हर समय उनका शरीर में भगवान की ये प्रेम को दिखाई पड़ता है गुरु जी के शरीर में, हैं रोमांच कंपाश्रु। इसलिए कहते हैं ये गुरु जी की हैं हाय गौरव प्रेम बंदे से ही गुरु चरण कमल। हर समय जो भगवत प्रेम में, भगवान की भक्ति में हर समय जो डूबे रहते हैं, ये श्री गुरुदेव। जो तीसरा जो श्लोक में बताए, कहते गुरु जी को पास में आएंगे तो गुरु जी क्या बोलेंगे? क्या गुरु जी बोलेंगे? मेरा ही सेवा कर, मेरा ही नाम कर। बोले नहीं, गुरु जी का जो लक्षण है, गुरु कौन होते हैं? बोले जैसे एक बिचुआली होता है ना, एक लड़की लड़का से जो बीच में होता है ना, वो संबंध बनाता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हो? हैं बिचौलिया। जो बिचौलिया होता है, गुरु जी का काम ये बिचौलिया का काम है। कहते जीव को साथ में जो ब्रह्म का, भगवान का जो बीच में संबंध जोड़ देता है, हाँ ये गुरु जी की ये लक्षण है। गुरु जी ऐसे नहीं मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही पूजा कर, मेरा ही नाम कर। बोले नहीं, ये गुरु ये नहीं करते हैं, अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं, ये बिचौलिया गुरुदेव है, हैं जो भगवान को साथ में जीव को जोड़ देते हैं। बोले देखो भैया, तुम भगवान का दास हो, भगवान की सेवक हो, उनको भूलने का वजह से संसार में आए हो। अगर सुख पाना चाहते हो, अपना घर में जाना चाहते हो, ठाकुर जी की सेवा करो, भगवान की नाम लो, उनकी भक्ति करो तुम। इसलिए कहते खुद भी हर समय भगवान का कीर्तन भजन करते हैं, ठाकुर जी को सेवा करते हैं, लेकिन उनको आने वाले जो जीव है उनको भी ठाकुर जी की भजन में लगा देते हैं, भगवान की भक्ति में उनको खुद करते हैं, दूसरों को भी प्रभु की भजन में लगाते हैं, हैं। कहते ये गुरु जी की ये लक्षण है। कहते चौथा जो श्लोक में बताए, चर्ब चुस्य लज्ज पेय रसमय प्रसादान कृष्ण अति स्वाद है भक्त आस्वादन निज तृप्त रहे बंदी से गुरु चरण कमल। कहते भगवान को चार तरह का भगवान को भोग लगता है। बोले चर्ब मतलब जो चिबा करके खाते हैं, लज्ज मतलब जो हैं जो चाट करके खाते हैं, चिबा करके खाते हैं, हैं जिसको पान करते हैं, जिसको चूस जिस चूस करके खाते हैं। खाना ऐसे होता है ना, मीठा चीज़ को चूस करके खाते हैं, जूस हो तो उसको पी करके खाते हैं, रोटी हो तो उसको चिबा करके उसको खाते हैं। कहते जो हर समय जो भगवान की प्रसाद को छोड़ करके और कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं, नियम है घर में जो चीज़ बने सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी दल से ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगा करके फिर खाया करो। नहीं तो कृष्ण गीता में कहते हैं, भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारणात्। मतलब है जो व्यक्ति भगवान के लिए नहीं बना करके, खुद बना करके और खुद चट कर लिया, भगवान कहते हैं वो पाप भोजन करते हैं। लेकिन जो चीज़ मेरे को अर्पण करके जो भोजन करते हैं, वो अमृत भोजन करते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता है। कहते प्रसाद सर्व दुखानाम, भगवान की प्रसाद खाओ तो घर का सब दुख दूर हो जाता है। क्यों? भगवान की प्रसाद मतलब आशीर्वाद, प्रसाद मतलब भगवान का कृपा। इसलिए घर में जो कुछ खाना बने क्या करो, सबसे पहले ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगा करके फिर सबको दो करके खुद खाओ, ठीक है ना। इसलिए कहते जो हर समय जो भगवान की प्रसाद को हर समय सेवन करते हैं,
और भक्त आस्वादन निज तृप्ता है, खुद सेवन करते हैं सब भक्तों को भी वही खिलाते हैं और सबको खिला करके खुश होते हैं। जब सब लोगों को प्रसाद कहते हैं ना, प्रसाद को बांट कर खाओ वैकुंठ हो जाओगे, इसलिए प्रसाद सबको खिला कर जब खिलाते हैं, जो भक्त लोग प्रसाद पाते हैं उसको खुश होते हैं। जो पंचमा श्लोक में बताए क्या बताए, श्री राधा माधव नाम रूप गुणे अनंत माधुर्य लीला आस्वादने लुब्ध चित्त जिनि हान प्रतीक्षणे बंदी से गुरु चरण कमल। इसलिए कहते गुरुदेव कौन है, कहते श्री राधा माधव नाम रूप गुणे, गुरुदेव का जो लक्षण है श्री राधा माधव नाम रूप गुणे अनंत माधुर्य लीला हान माधुर्य लीला आस्वादने। इसलिए हर समय भगवान की राधा गोविंद की जो उनका जो नाम है, उनका जो रूप है, उनका जो गुण है, लीला को जो हर समय आस्वादन करते हैं, हैं हर समय ठाकुर का जो भजन में ही जो खुश रहते हैं, ठाकुर जी की भजन में जो हर समय राधा कृष्ण की नाम रूप गुण में जो हर समय जो खुश होते हैं, कहते ये श्री गुरुदेव है। इसलिए कहते गुरुदेव कौन है, कहते निकुंज जो न रति के लिए सिद्ध ही जाजाले भिजुक्त रपेक्षणिया। मतलब राधा कृष्ण का जो निकुंज है, राधा कृष्ण जब जिस निकुंज में लीला करते हैं, हमारे गुरुदेव कौन है, जो उसी राधा कृष्ण के निकुंज लीला में एक सखी है, एक ये गोपी है, हैं। इसलिए हमारे गुरु जी का जो स्वरूप है एक राधा रानी की, ये एक प्यारी सखी रूप में राधा कृष्ण जब लीला करते हैं निकुंज में, उसमें जो बहुत निपुण है, उसमें जो बहुत एक्सपर्ट है, ऐसे जो गुरुदेव हम उनको वंदना करते हैं। उसके बाद में क्या बताए, ब्रज जुबन द्वंद्व रति संवर्धने जुक्ति करे सखी सनगने वृंदावने अति दक्षता है प्रिय तमगने बंदी सही गुरु चरण कमल। उसके बाद में क्या है, पागल हाँ हाँ हाँ। इसलिए उसको बाद में कहते हैं, कहते गुरुदेव क्या है, बोले साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। गुरुदेव को हर शास्त्र क्या कहता है, गुरुदेव ये भगवान का ही ये रूप है, भगवान ही एक रूप को लेकर के, अलग एक रूप लेकर के इसी जगत में हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए गुरुदेव इसी जगत में आए हैं, हैं। एक शिष्य गुरु जी को क्या समझेगा, ये भगवान की ही रूप है, भगवान ही हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए ये गुरु रूप में आए हैं, ये समझनी चाहिए। जो शास्त्र में बताया गुरुदेव को भगवान का स्वरूप क्यों माननी चाहिए, कारण है किंतु जिनी प्रभुर प्रियतम रूप, इसका मतलब है ये भगवान की अत्यंत अत्यंत प्रिय है ठाकुर जी की, इसीलिए हम क्या सोचते हैं ये गुरुदेव कौन है, भगवान की ये अभिन्न स्वरूप। इसका मतलब नहीं है गुरु ही भगवान है, हैं गुरु जी को माननी चाहिए गुरु जी भगवान है, लेकिन क्यों माननी चाहिए, ये ठाकुर की अत्यंत प्रिय है, ठाकुर जी की ये अत्यंत प्रिय है, इसलिए इनको भगवान के स्वरूप इनको माननी चाहिए। इसलिए इसको बाद कहते हैं जस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, मतलब जिस गुरुदेव का अगर कृपा हमारे ऊपर हो जाए ना, समझनी चाहिए भगवान की कृपा हो गया है। अगर गुरु जी हमारे ऊपर कृपा कर दे, समझनी चाहिए गुरु का कृपा नहीं भगवान की आशीर्वाद, भगवान ही हमारे ऊपर में कृपा किया है, और जिनकी कृपा के बगैर जीव का कोई गति नहीं, गुरु की कृपा से ही हमें भगवत प्राप्ति होएगा, हाँ गुरु का आशीर्वाद से ही हमें भगवान मिलेंगे, उनकी कृपा बगैर जीव का कोई गति नहीं। ऐसे जो गुरुदेव है हम क्या करते हैं, रोज हम उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए उसको बाद में बताए, अगर ये अष्टव को जैसे हम सबेर गाते हैं ना, कहते ये अष्टव को रोज जो गाया करेगा, वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए सही वस्तु सिद्धि काले, मतलब इसको रोज जो गाएगा उसको मिलेगा क्या, इसको जो रोज रोज इसको गाएगा क्या होगा, भगवत प्राप्ति है उसको, लास्ट में राधा कृष्ण की सेवा उनको सिद्धि अवस्था में, उसको भगवान की सेवा भगवान का धाम उसको प्राप्त होगा, रोज सवेरे सवेरे इसको जो रोज गाते हैं, हैं
इसलिए रोज रोज सवेरे हम इसको, जैसे ठाकुर जी का आरती से पहले भी इसको गाते हैं, जब हम पहले भजन करते हैं सबसे पहले गुरु जी की ये वंदना करते हैं, गुरु जी की कृपा को प्रार्थना करते, गुरुदेव हमारे ऊपर में आशीर्वाद करो जैसे हमें भगवान की सेवा हमें मिल सके है। हाँ, उसके बाद में वृंदावन वासी जत वैष्णवे रगन, देखो ये सब बंगला कीर्तन है, लेकिन कोशिश करना थोड़ी थोड़ी समझने के लिए, ठीक है। इसकी जो भजन में गा रहे हैं, विशेष करके तीन धाम है जहाँ पर विशेष विशेष संत लोग रहते हैं, कहते एक दशे वृंदावन धाम ठाकुर जी का है, दूसरा श्री जगन्नाथपुरी है, और तीसरा श्री नवद्वीप धाम महाप्रभु का जन्मस्थान है। ये तीनों धाम में विशेष करके विशेष विशेष वैष्णव लोग इसी तीनों धाम में रहते हैं, इसलिए ये भजन में सारे संतों को चरण में प्रणाम करते हैं। हैं, केवल इतना नहीं, हई आचन हई बेन, मतलब पहले जितने संत हो गए, अब भी जितने संत हैं और बाद में भी जितने संत आएंगे, हम सबको चरण में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जो संत लोग कैसे हैं, ये संत लोग बिना गुण देख करके हमारे ऊपर में कृपा करने वाले, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए इनकी कृपा से ही हमें भगवान की भक्ति मिल सकती है, इसलिए इसमें सारे संतों को प्रणाम करते ही भजन है। तो बंगला भजन, बंगला और हिंदी आसपास में ये कोशिश करना उसको समझने के लिए, ठीक है। वृंदावन वासी जत वैष्णवे रगन प्रथमि वंदना करे सवार चरण नीलाचल वासी जत महाप्रभु गान भूमि से तारिया बंद सवार प्रभो भाषा कबर चरण बंद अयानुराता महाप्रभु भक्त जत गौर देश सीते कबर चरण बंद करिया प्रणति जय देते जय देते गौरंगे लगाना करी बंद सवार चरना हया छे नईन प्रभु जत दास सवार चरना बंद करी घास ब्रह्मांड करते शक्ति हर जनी जानी एक पुरानी गुना जाय से बसो प्रभु गण सब पति पावन काइलो बेनी पापी लाइनो सारण वंदना करते मुनि बत शक्ति भाई तम बुद्धि गोते मुनि दम्भ मात्र कारी तथापि मुखे भाग्य मन रहो नाथ दोष क्षमी करनी जदास कर्मवंत जम बंध को जगत गुणव अचिराते हाया देवकी नंदना दाता
ये जो भजन है, ये भजन जो आप लोग ने हम लोग ने जो गाए हैं, देखो उसने कौन लिखा और ये भजन को उसने किसने लिए गाए हैं। कहते जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम में आए, कहते उनको भक्त लोग भी साथ में आए। कहते हम कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, ये जो श्रीवास पंडित है, कहते ये कौन थे कृष्ण लीला में? बोला ये नारद है। ये कौन थे? श्री नारद जी थे, हैं, जो कृष्ण के प्यारे भक्त श्री नारद। कहते वो चार भाई बन करके आए जगत में, वो चार भाई थे। वो चार भाई क्या करते थे? वो रात भर भगवान के भजन, दिन भर पूरा परिवार बैठ करके, उनका बीवी बच्चे सब घर में बैठ करके हरि कीर्तन 24 घंटा घर में उनकी कीर्तन चलता था। चैतन्य महाप्रभु जिनके घर में नृत्य कीर्तन करते थे और कोई काम धाम नहीं करते थे, कोई बिजनेस काम धाम नहीं करते थे, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सचमुच से उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहता था, भक्तन करते थे। लेकिन हर तरह का लोग होते हैं, एक कोई एक गोपाल चापल था, हैं, वो बड़ा दुष्ट व्यक्ति था। जन्म तो लिया ब्राह्मण घर में, लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म लेने पर भी वो संतों को बड़ा द्वेष करता था। ये भजन करते थे दिन रात, घर में कीर्तन चलता था, इनको बड़ी ईर्ष्या द्वेष करता था इसको बारे में। ये दिन भर कोई काम धाम नहीं, दिन भर मजरा मृदंग लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर दिन रात भजन करते रहे, कोई काम धाम है नहीं, हैं। एक दिन उसने क्या किया, इनकी बदनामी करने के लिए घर को सामने शराब का बोतल और जो मांस हैं और जो देवी पूजा करने का कि जबा फूल होता है लाल फूल और देवी पूजा की जो सामग्री हैं सब उल्टा पुल्टा चीज को इनको घर को सामने रात को ला रख लिया। जब सवेरे हुआ गांव के लोगों को बुलाया, बोले देखो आपको लगता है ये भजन करते हैं दिन भर, हैं, दिन रात भक्ति करते हैं, देखो ये रात को क्या करते हैं, ये मांस मदिरा दे करके देवी को पूजा करते हैं और स्वर्ग से ये अप्सरियों को बुलाते हैं, हैं, देवी पूजा करके, हैं, उच्चाटन मंत्र के द्वारा ऊपर से देवियों को बुलाते हैं और उनको साथ में भोग करते हैं और कहते ढोंग रचाते हम भजन कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। देखो ये कितने ढोंगी आदमी, उनको बदनाम करवाया। लेकिन वो संत हैं, उनको भगवान के ऊपर विश्वास है। देखो एक चीज समझो, अगर हमारे नाम पर कोई बदनामी थोड़ी अगर कर दिया, इसने थोड़ी कुछ बोल दिया तो पागल होकर के क्रोधित हो गया, हमको इसने क्यों ऐसे बोला, नहीं। जो संत लोग होते हैं वो भगवान को विश्वास करते हैं, जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, दुनिया को सामने छुपा सकता हूँ। क्या ठाकुर को सामने कोई छुपा सकते हो? उनको सामने कोई नहीं छुपा सकते, वो सब कुछ देखते हैं। इसलिए कोई थोड़ी कुछ बोल दिया तो एकदम क्रोधित होकर के उसने हमको ऐसे क्यों बोला, उसको हम दिखा देंगे, उसको मजा चखा देंगे, नहीं। ये वैष्णव का धर्म नहीं, वैष्णव का धर्म क्या है? त्रिनाद भी सुनी चे न तर भी सही सुनना, तृण से भी ज्यादा दीन ही नहीं बनो, पेड़ से भी ज्यादा सही सुनो, पेड़ से भी ज्यादा सही सुनो बनो। अब जा रहे हो रास्ता में, देखा आम का पेड़ में एक आम है, उठाया एक पत्थर मारे, लेकिन अब तो मारे किसको, पेड़ को, लेकिन पेड़ ने क्या किया, पेड़ ने क्या दिया, आम दे दिया, मारा उसको लेकिन उसने क्या किया, आपके एक फल दे दिया। कहते इससे भी ज्यादा सहन शक्ति तुम्हारे अंदर में होनी चाहिए, तब तो भजन कर सकते हो। ऐसे नहीं थोड़ी सी कुछ हो गया है हम नहीं करेंगे, हम तो इतना बात बोल दिया, जानते हो हम कौन है, बस हो गया तुम्हारे भजन भजन। इसलिए ये चीज हर समय भगवान के ऊपर विश्वास रखनी चाहिए, हैं, वो देख रहे हैं ऊपर से, मैं कौन हूँ नहीं हूँ कौन देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी बात पर अगर क्रोध हो गया फिर भजन भजन क्या करोगे,
हाँ, इसलिए हमारे गुरु जी कोई एक थे ब्रह्मचारी, भले हमको उसने ऐसे बोले, हम और घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं बाहर। गुरुदेव कहते थे अगर जंगल में गया, अगर अपने आप पे कई टहनियाँ अगर टूट कर गिर पड़ा तो फिर किसको बोलोगे, फिर किसको बोलोगे यहाँ पर। तो इसलिए गुरुदेव कहते थे जो सहे सो रहे, जो नाश है वो नाश है, जो नाश है वो नाश है। इसलिए देखो उनको इतना बदनामी कराया लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। कहते ये वैष्णव धर्म है, हैं, ये वैष्णव धर्म है, सहन सीखनी चाहिए, हैं, सहन करना सीखनी चाहिए। कुछ भी नहीं बोला, बोला ठाकुर सब कुछ देखते हैं, ठाकुर जानते हैं। देखो जिसने किया उसका किया हो गया, कुछ दिन बाद में उसको शरीर में कूड़ हो गया। ऐसे कुष्ठ, कूड़ समझते हो ना, कूड़ बोलते ना तुम्हारी भाषा में, हैं, कुष्ठ रोग हो गया, गले में हो गया, नाक गल गई, गला गल गया, अंगुल गल गया, सब है गल करके गिरने लग गया, कीड़े बन गए उसका शरीर में, क्योंकि संतों को उसने अपमान किया है। संतों को भगवान कहते हैं अगर ये मेरा हाथ कभी संतों का विरोध में जाएगा तो मैं अपना हाथ को मैं काट दूंगा, मैं अपना हाथ को भी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैं संत विरोध में कभी नहीं जानी चाहिए। उसको इतने कष्ट उसने भोग किया, इतने कष्ट भोग किया, उसने रो रो करके महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु मेरे शरीर में ऐसे हो गया, माफ़ कर दो, मैं संतों को बदनामी करवाया, संतों को चरण में मैंने अपराध किया, माफ़ कर दो। महाप्रभु बोले देख बेटा, अगर प्यार में कांटा चुभ जाए ना वो प्यार से निकलेगा, वो सर में नहीं निकलेगा, लेकिन तुम किसकी चरण में अपराध किया, ये श्रीवास पंडित के चरण में तुमने, उनकी बुराई तुमने किया है, उनकी तुमने बदनामी किया है, वहीं पर जा करके तुम्हारी अपराध माफ होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने इनके चरण में आए, आ करके माफ़ी मांगे, बोले मेरे अपराध माफ कर दो, मैंने बिना कारण से आपका नाम पर मैंने बदनामी करवाया, इसलिए मेरे अपराध माफ़ कर दो। संत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए उनके अपराध का जब माफ़ किया फिर सही हुए, फिर महाप्रभु के पास में गए, बोले देखो जिस मुँह में तुमने जहर खाए हो उधर से तुमको अमृत पीना पड़ेगा। जिस मुंह से अगर तुमने जहर खा लिया, अगर सही होना के लिए तो क्या करना पड़ेगा, उसी मुंह से तुमको अमृत पीना पड़ेगा, तभी जा करके ये तुम्हारी जहर खत्म होगी। इसका मतलब तुमने संतों की बदनामी करवाया, अभी इसी मुंह में संतों की गुणगान गाओ। जब बोले ना अभी हमने जो भजन गाए ना, उन्होंने ये भजन को गाए, जितने सारे संत थे सबको नाम को ले लेकर के सबको प्रणाम कर रहे संत लोग, पहले जो हुए अभी जो है बाद में जो संत, हम सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही आपके हृदय में भगवान की निवास है, आपका कृपा से ही भगवान मिल सकते हैं, इसलिए उनको नाम को ले लेकर के यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए ये भजन गाने से अगर कहीं संतों को चरण में हमारा कोई पाप हो जाए ना, अपराध हो जाए, ये भजन गाने से सब दूर हो जाते, इसलिए हम रोज रोज इसको सारे संतों का नाम को लेकर के इसमें प्रणाम करते हैं। हाँ, उनका ही नाम है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव कवि गौर भक्त वृंद कृष्ण चय सब गाप चलते प्रभु नंद अद्वैत गदाधर शिव कवि गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य सांसद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे सप्रसाद शिव धाम साहब करे अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दान सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण दैन आत्मनिवेदन गोप
कृतेव अवसर किरण कृष्ण विश्वास पल भक्ति अनुकूल मात्र कार्यरचुकार भक्ति प्रतिकूल भाव कर्जनंदिकार तरंग करण गति आर आर प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार आरुक सन सन पद दंत त्रिनकारी भसति विनोद पड़े तुम पद कंदिया कंदिया बोले अमित धाम सिखाए शरण गति करे उत्तम दयालुताई दयाल गौ दयालुताई दयाल गौ दयालुताई दयाल गौ दयालुताई दयाल गौ। देखो ये भजन में बोल रहे हैं, कहते छह तरह का शरणागति है। कितना तरह का है, क्या क्या है बोला? अनुकूलस्य संकल्पम् प्रातिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासो वृत्तित्व वर्णनम्। इसको बाद में आत्मनिखेप कार्पण्य षडभिद शरणागति क्या बोला, क्या क्या हुआ है क्षेत्र जो शरणागत क्या क्या हुआ, जो श्लोक वाला हिंदी में बोलो इसको। जो भक्ति में अनुकूलता प्रदान करे उसको अपना करके प्रातिकूलस्य वर्जनम् प्रतिकूलता जो हो भगवान की शरण में जो प्रतिकूलता है प्रदान करे उसको हटा दो। रक्षिष्यति इति विश्वासो भगवान ही रक्षा करेंगे इस बात का निश्चय कर लो। वो पितृत्व मतलब हमारे वर्ण की भगवान रक्षा पालन कर लेते हैं और आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन और कार्पण्य कार्पण्य मतलब दीनता। हाँ कहते जो ये जो छह चीज याद रखना, ठीक है याद रहेगा ये छह चीज याद रहेगा कि नहीं, इसलिए इसको याद रखना ठीक है ना। इसलिए कहते अगर ये छह चीज किसको अंदर में आ गया ना, भगवान को जैसे हम कोई प्रार्थना करते हैं, हम कहते ठाकुर हमारा कोई प्रार्थना सुनते नहीं, कहते अगर छह गुण तुम्हारे अंदर में आ गया ना, आप ठाकुर को जो बोलोगे ठाकुर सुनेगा, जो कुछ आप बोलोगे ठाकुर को, ठाकुर सारे बात को ठाकुर जी आपको सुनेगा। अगर छह चीज तुम्हारे अंदर में आ गया तो है, छह चीज क्या है, वही काम को हम करेंगे जो काम करने से ठाकुर जी खुश हो, वो काम को हम करेंगे नहीं, वो चीज हम देखेंगे नहीं, वो चीज हम बोलेंगे नहीं जिसमें ठाकुर जी की खुश नहीं, जिसमें ठाकुर जी प्रसन्न नहीं, वो चीज को हम त्याग देंगे। इसको संकल्प करनी चाहिए हैं, और क्या करनी चाहिए, भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे। ठाकुर जब सबको रक्षा करते हमें क्यों नहीं रक्षा करेंगे, द्रौपदी को तो उद्धार किया, गजराज को जब उद्धार किया, पांडवों को तो ठाकुर जी रक्षा किया, जब सबको रक्षा किया ठाकुर हमें भी रक्षा करेंगे। और जो जो चौथा है, भगवान जरूर हमें पालना करेंगे, जो एक चिट्ठी से लेकर के हाथी तक जो पालन करते हैं, क्या ठाकुर जी हमें भी नहीं पालन करेंगे, ठाकुर जी हमें भी, ठाकुर जी जरूर हमें पालन करेंगे हैं। इसलिए और ठाकुर जी के चरण में संपूर्ण शरणागति हो जाए, ठाकुर जी आज से आप मेरे हो मैं तेरा हूँ, आप मेरे हो मैं तेरा हूँ, इसलिए ठाकुर के चरण में शरणागत हो जाओ। और अपने आप को दीनहीन भावना, धन्य मतलब अपने अंदर में सबसे सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं, सब हमसे बड़े और हम सबसे, लेकिन अगर सोचने लग जाए सब हमसे छोटे हम बड़े हैं, नहीं ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं। भक्ति क्या है, सब हमसे बड़े हम सबसे छोटे, तभी तो भक्ति कर सकते हैं। इसलिए ये दिन क
कहते अगर छह तरह का ये शरणागति आ गया तो ठाकुर जी ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, फिर उसकी प्रार्थना को ठाकुर जी सुनते हैं जिनके अंदर में ये छह गुण आ जाता है। इसलिए ये भजन में गाते ठाकुर जी हमारे ऊपर में आप कृपा करो, जैसे जो छह तरह का जो शरणागति हमारी अंदर में, ये छह तरह का शरणागति जैसे हमारे अंदर में आ जाए। हाँ, इसलिए ये भजन में ये गाए हैं। हाँ, इसको निकाल दो, राधा कृपा का ठाकुर स्तोत्र को निकालो। बोलो बोलो बोलो। मुनिन्द्र बृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष बल्लरी विशाल मंडपासिते प्रबाल बाल बल्लव प्रभारुणा नृकोमल बराबर स्फुरतरे प्रभूत संपदालहे सदा करी सतीयमम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भुवम सविभ्रमं ससभ्रमं दृगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंद नंदने सदा चरित सीयमं कृपा कटाक्ष भाजन करीप्त वर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास कोटि सारदेन्दु मन विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचनी सदा करी सीयमं कृपा कटाक्ष भाजनम मधोन्मदादि यौवनी प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्न कुंजराज कामखेलि को विदे कदा करी सकिया मम कृपा कटाक्ष भाजन अशेष हाव पावधीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सोत्तम प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे सदा करी सीयम कृपा कटाक्ष मृणाल बाल भल्लरि तरंग रंग दोलते लता गलास लोल नील लोचना बलोकन लाल मिलन मनोज मुग्ध मोहन कृते सदा करी सीयमं कृपा कटाक्ष भाजन सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंभु कंटके त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति वेदिके कलोल नील कुंतल प्रसूर्ण गोच गुंफिके सदा करी सीयमं
कृपा कटाक्षभाजन नितंब कुंभ लंब मान पुष्प में खरागुणे सशास्त्रात्म किंकिणे कलाप माधमंजु करेन्द्र सुंद दंडिका बरोह सौम गौरुपे सदा करी सके अमा कृपा कटाक्ष भाजन अनेक मंत्र नाद मंजुनो पुरार बखल समाज राज हंस वंस निपनाथ गौ बिलोड़े मल्लरे विदम विचारु चाचरे सदा करी सके कृपा कटाक्ष भाजन अनंत कोटि विष्ण लोक नम्र पद्मजार्पिते हिमाद्रिजा कुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि ऋद्धिविद्या तत्पदाङ्गुलेन ते सदा करी सके अमा कृपा कटाक्ष भाजन कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे मन मन समधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरन्दे मन मन समधुकर कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे अजग विषमादित विद्रपिपतति नतवन कदनरीचि नतवन कदमरीचि इदं मिथाभिनि सम्मतवाचुत तदपि कृपाद्भुतवीचि ग्रंथ निकाल तदन कृपाद्भुत बीचे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं भक्ति रुदन्तति जगति माधव न त्वयि मम तिलमासि भक्ति रुदन्तति परमेश्वर तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री परमेश्वर दुर्घट घटन विधात्री कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे अयमपि
सनातन कलि अद्भुत तुम्हार अयम आज कलि अद्भुत तुम्हार निवस नीच मृान कविंदी बिंदन मधुरी मकार निवस नीच मृत बिंदन मधुरी मकार कृष्ण देव भगवंत वंदे कृष्ण देव भगवंत वंदे जय राधे जय जय माधव जय ते जय माधव जय गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल जय राधे जय जय माधव जय ते जय दामोदर राति वरदान देते हरि सुता वृंदा भीतने से वरदान देते हरि सुता आवृत भानुदाजे नवससे लेखे ललिता कतिगुण रमिता वृताते वृत भानुदाजे ललिता कतिगुण रमिता विता करुणा कुरमाए करुणा भरी ते सनत सनातन वर्णित चरिते करुणा भरी ते सनत सनातन वर्णित चरि जय राधे जय जय माधव जय जय राधे माधव जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। आज तो कथा पूरी हो गई, आप लोग जा सकते हो। अभी हम लोग आपस में कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग अपना घर में जा सकते हो, आप लोग का समय हो गया, आप लोग जाओ। हाँ, इसको बंद कर दो।